हेलो लर्नर्स, आज हम कुछ नए रूट वर्ड्स देखेंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था रूट वर्ड्स क्या होते हैं, साथ ही साथ कुछ रूट वर्ड्स और उनसे फॉर्म होने वाले वर्ड्स देखे थे लाइक डर्म, यू, साइट एंड एंथ्रोप। तो आई होप आपने ये सारे रूट वर्ड्स और इनसे फॉर्म होने वाले वर्ड्स लर्न कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज कुछ नए रूट वर्ड्स और उनसे फॉर्म होने वाले वर्ड्स सीखते हैं। पहला वर्ड है टेली। टेली मीन्स होता है फार, दूर। टेली मीन्स फार, दूर। तो देखिए इनसे वर्ड्स कैसे बने हैं। टेलीफोन, फोन मीन्स होता है साउंड। तो टेलीफोन क्या होता है, मीन्स ऑफ टॉकिंग, बात करने का माध्यम। बात करने के लिए हम साउंड का यूज़ करते हैं, तो टेलीफोन क्या है, बात करने का माध्यम है। टेलीग्राम, ग्राम मीन्स होता है राइटिंग। तो टेलीग्राम कम्युनिकेशन का ऐसा माध्यम है जिसमें हम लिख कर कम्युनिकेट करते हैं, मीन्स ऑफ राइटिंग, लिख कर कम्युनिकेट करने का माध्यम होता है टेलीग्राम। थर्ड है टेलीपैथी। पैथी मीन्स होता है फीलिंग्स। तो टेली मीन्स क्या हो गया, फार, और पैथी मीन्स फीलिंग। तो फीलिंग फेल्ट एट डिस्टेंस, दूर रहकर जो फीलिंग आती है वो क्या कहलाती है, टेलीपैथी। दूर रहकर आने वाली फीलिंग, दूर रहकर जो फील किया जाता है वो क्या कहलाता है, टेलीपैथी। नेक्स्ट वर्ड है पैथोस। पैथोस मीन्स इमोशन। पैथोस मीन्स इमोशन, भावनाएं। तो इनसे वर्ड्स कैसे बने, सिंपैथी। सिम मीन्स सिमिलर, समान। पैथी मीन्स इमोशन या फीलिंग। तो यहाँ पे सिंपैथी मीन्स क्या हो गया, सिमिलर फीलिंग। जब दो लोगों के बीच में सेम फीलिंग होती है और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ लिया जाता है, वहाँ पे हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, सिंपैथी, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ लेना। दूसरा वर्ड है एपैथी। एपैथी मीन्स क्या होता है, जब डिफरेंट हो दो लोगों की फीलिंग्स और एक दूसरे की फीलिंग्स को ना समझा जा सके, उदासीनता हो, जहाँ पे उदासीन भावना हो, एक दूसरे की फीलिंग समझ में ना आए, वहाँ पे हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, एपैथी। नेक्स्ट वर्ड है एंटीपैथी। एंटी मीन्स क्या होता है, ऑपोजिट, ऑपोजिट को शो करता है। एंटी वर्ड जो है वो ऑपोजिट शो करता है। तो यहाँ पे एंटीपैथी की मीनिंग क्या हो गई, ऑपोजिट फीलिंग, जिसको हम हेट भी कह सकते हैं। जब दूसरे के प्रति क्या हो, ऑपोजिट फीलिंग आए, हेट की फीलिंग आए, नफरत की भावना आए, तब हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, एंटीपैथी, कि दूसरे के लिए कोई इमोशन, कोई फीलिंग्स ना हो, हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, एंटीपैथी। नेक्स्ट है जेक्ट। जेक्ट मीन्स होता है थ्रो आउट, किसी चीज़ को थ्रो आउट कर देना, डिस्कार्ड कर देना, ठीक है। तो इससे वर्ड कैसे बने हैं, रिजेक्ट। रिजेक्ट, रिजेक्ट मीन्स डिस्कार्ड करना, किसी चीज़ को थ्रो आउट कर देना, ठीक है, रिजेक्ट कर देना। दूसरा वर्ड है इंजेक्ट। इन मीन्स अंदर, तो जब अंदर की ओर थ्रो किया जाता है तब हम क्या यूज़ करते हैं, इंजेक्ट। जैसे इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, इंजेक्शन में जो भी लिक्विड होता है उसको अंदर की ओर थ्रो किया जाता है, इसलिए वो उसका उसको क्या नाम दिया गया, इंजेक्शन, अंदर की ओर जेक्ट करना, अंदर की ओर थ्रो करना। इसका ऑपोजिट वर्ड है इजेक्ट। इजेक्ट मीन्स बाहर की ओर निकालना, ब्रिंग आउट, बाहर की ओर लाना। जैसे इंजेक्ट मीन्स अंदर की ओर डालना, वैसे इजेक्ट मीन्स बाहर की ओर लाना। नेक्स्ट वर्ड है सेक्ट। सेक्ट मीन्स होता है कट आउट, जब किसी चीज़ को कट किया जाता है, कट आउट किया जाता है, जैसे ये वर्ड्स हैं। इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मीन्स क्या होता है, इंटर मीन्स कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस करती हो, पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग, जहाँ पे दो लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस करती हो, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, इंटरसेक्ट। दूसरा वर्ड है सेक्शन। सेक्शन मतलब एक दो पार्ट्स में जब डिवाइड किया जाता है, दो पार्ट्स में कट आउट किया जाता है, तब हम क्या यूज़ करते हैं, सेक्शन, ठीक है। पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, सेक्शन। नेक्स्ट वर्ड है डिसेक्ट। डिस मीन्स क्या होता है, कट या आउट कह सकते हैं। डिस मीन्स किसी चीज़ को अलग करना, डिसेक्ट करना मतलब कट आउट करना, दो चीज़ों को अलग अलग कट आउट कर देना। तो यहाँ पे हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, डिसेक्ट करना, कट आउट कर देना। नेक्स्ट वर्ड है विस। विस मीन्स क्या होता है, टू सी, ठीक है, टू सी। तो इससे क्या वर्ड बना है, विजन। विजन मीन्स क्या होता है, आई साइट, दृष्टि जो होती है उसको क्या बोलते हैं, विजन। नेक्स्ट वर्ड है विजिबल। विजिबल मीन्स कैन बी सीन, जब जो देखा जा सके, जिसको देखा जा सके, वहाँ पे हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, विजिबल, और जिसे नहीं देखा जा सके वहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करते हैं, इनविजिबल। नेक्स्ट है एनविजन। एनविजन मीन्स क्या होता है, सी बियॉन्ड, जो भविष्य को देख ले, वहाँ पे हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, एनविजन, भविष्य देखने वाला, जब हमको बोलना हो तब हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, एनविजन। नेक्स्ट है व्योर।
व्योर मीन्स क्या होता है, ईट, और ईट ग्रीडली, जो लालच में खाना या फिर जस्ट खाना, तो इससे क्या क्या वर्ड बने हैं, वोरेशियस, वोरेशियस मीन्स क्या होता है, वोरेशियस मीन्स ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, जो पेटू होते हैं, जो ज़्यादा खाते हैं, उनके लिए हम किस तरह का वर्ड यूज़ करते हैं, वोरेशियस, ज़्यादा खाने वाला, पेटू। नेक्स्ट है कार्निवरस, कार्निवरस, कार्न मीन्स होता है फ्लैश, मांस, तो कार्निवरस क्या है, जो फ्लैश खाते हैं, जो मांस खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कार्निवरस, फ्लैश ईटिंग। नेक्स्ट है डेवर, डेवर मीन्स क्या होता है, गल्प अवे, मतलब किसी चीज़ को जल्दी जल्दी निगल लेने वाला, जो जल्दी जल्दी खाता है किसी चीज़ को, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, डेवर। अगर कोई जल्दी जल्दी खाता है तो आप क्या बोल सकते हो, ही इज़ डेवर, वो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को निगलता है, जल्दी जल्दी खा लेता है। हर्बीवरस, हर्ब मीन्स प्लांट्स या वेजीज, तो हर्बीवरस कौन होते हैं, हर्बीवरस जो प्लांट ईटर्स होते हैं, जो वेजीज खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हर्बीवरस, शाकाहारी। ठीक है, नेक्स्ट है सेन, सेन मीन्स होता है ओल्ड, सेन मीन्स ओल्ड, तो इससे क्या वर्ड बना है, सीनियर, सीनियर मीन्स एक्सपीरियंस्ड ड्यू टू एज, एज की वजह से जो सीनियर हो जाता है, वरिष्ठ हो जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सीनियर कहते हैं। नेक्स्ट है सेनेट, सेनेट मीन्स क्या होता है, काउंसिल ऑफ सीनियर मेंबर, सीनियर मेंबर का जो वरिष्ठ होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेनेट कहते हैं। नेक्स्ट है सेनाइल, सेनाइल मीन्स क्या होता है, मेंटली अनस्टे ड्यू टू ओल्ड एज, ओल्ड एज के कारण जो मेंटली अनस्टेबल हो जाता है, जिसको हम सन की या कह सकते हैं कि बुढ़ापे की वजह से जिसकी याददाश्त की शक्ति जो है वो कम हो जाती है, तब हम उस बुजुर्ग के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, सेनाइल, जिसकी याददाश्त कम हो जाती है, जो थोड़ा सन की हो जाता है, तब हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, सेनाइल। तो ये हमने देखा सेन, सेन मीन्स ओल्ड, व्योर मीन्स ईट, विस मीन्स विजन या आईसाइट, सेक्ट मीन्स कट आउट, जेक्ट मीन्स थ्रो आउट, एंड पैथोज मीन्स इमोशन, एंड टेली मीन्स फार। तो ये हमने कुछ रूट वर्ड्स और उनसे फॉर्म होने वाले वर्ड्स देखे, तो इनको सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप इनको यूज़ में नहीं लाएंगे, ये याद नहीं होंगे, तो इनको याद करने के लिए इन वर्ड्स को यूज़ में लाइए, ताकि आपकी वोकेबुलरीज भी इंक्रीज़ हो सके। तो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, थैंक यू।